पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि गॉस थ्योरम क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। दोनों चीज़ों को जानने के बाद हमने गॉस थ्योरम से एक फॉर्मूला बनाया हुआ था दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक टू ए क्लोज्ड सरफेस, ये उसका नोटेशन है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक टू क्लोज्ड सरफेस, ये उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो चार्ज रखा है उस पर डिपेंड करता है और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो फ्लक्स के मैग्नीट्यूड के दो फॉर्मूलाज, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और क्लोज्ड इंटीग्रल ईडीएस, ये दोनों किसके लिए हैं? क्लोज्ड सरफेस। नाउ वी फाइंड देयर आर फोर क्वांटिटीज। इन चार क्वांटिटीज में अगर तीन क्वांटिटी हमको पता हो तो हम चौथी क्वांटिटी निकाल सकते हैं। इट इज सिंपल मैथमेटिक्स। क्यू इज चार्ज, एप्सिलॉन नॉट इज ए कांस्टेंट, वी ऑलरेडी नो व्हाट इज इट्स वैल्यू। यहां पर ई और डी एस, अगर हम ई निकालना चाहते हैं तो क्लोज्ड इंटीग्रल डी एस इसकी वैल्यू रखेंगे, क्यू की वैल्यू रखेंगे एंड वी विल फाइंड आउट ई। इट इज एज सिंपल एज दैट। ओके, अब इसमें थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स क्या हैं उसको हमको करेक्ट करना है। सो वन प्रॉब्लम इज दैट दिस ई शुड बी यूनिफॉर्म ऑल ओवर द एरिया। जब हम एरिया को इंटीग्रेट करते हैं तो पूरे एरिया में ई की वैल्यू यहाँ 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 हर जगह ई की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तब हम उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ई की वैल्यू अलग अलग होगी तो हमको ऐसा ईडीएस 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 हर जगह निकालना पड़ेगा। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हर जगह ईडीएस की वैल्यू यहाँ निकालो, फिर ईडीएस यहाँ निकालो, फिर ईडीएस यहाँ कैलकुलेट करो। उसकी जगह हम क्या करें, एक ऐसी सरफेस लें जिसमें हर लोकेशन पर ई की वैल्यू सेम हो। तो फिर हमको सिर्फ किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डीएस को। और देखिए ई डॉट डीएस, दिस वी कैन राइट एज ई डीएस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच थीटा एंगल है। अब अगर हमारी सरफेस इस तरह की है तो हम क्या देखते हैं कि यहां पर ई की वैल्यू डिफरेंट है और थीटा की वैल्यू डिफरेंट है, और यहाँ पर जाते हैं तो ई की वैल्यू हमको ये ई की वैल्यू अलग मिलेगी बिकॉज ऑफ दिस डिस्टेंस, और थीटा की वैल्यू इससे अलग मिलती। ई भी चेंज हो रहा है, थीटा भी चेंज हो रहा है, फिर सबका समेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसके लिए हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि पूरी सरफेस में ई यूनिफॉर्म रहे, एक जैसा, नंबर एक। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि हर लोकेशन पर थीटा एक समान रहे, तब हमको सिर्फ किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डीएस को। ये कैसे हो सकता है? ये हमने एक फुटबॉल लिया, फुटबॉल के सेंटर में हमने चार्ज रखा क्यू, ये सब जगह डिस्टेंस कितना है आर, सेम डिस्टेंस, तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसी हो गई, सेम। दूसरा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है और ये एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी है, दोनों के बीच एंगल कितना, जीरो डिग्री। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डीएस का एरिया वेक्टर, दोनों के बीच एंगल जीरो डिग्री। कहीं पर भी आप बनाइए, हर जगह एंगल कितना मिलेगा, जीरो। तो हम इसको क्या रख सकते हैं, कॉस जीरो, बदलने की जरूरत नहीं। इसी तरह से सब जगह ई की वैल्यू, अगर यहाँ ई की वैल्यू ई है तो यहाँ ई वन ई टू ई थ्री नहीं होगी, सब जगह कितनी होगी, ई। तो ई कैसा हो गया, कॉन्स्टेंट, सेम, दिस हैज बिकम ए कॉन्स्टेंट, थीटा हैज बिकम ए कॉन्स्टेंट। जब ये दोनों कॉन्स्टेंट हो जाएंगे तो हम इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले आएंगे, फिर हमको इंटीग्रेशन सिर्फ किसका करना है, डीएस का, और एक वैल्यू का इंटीग्रेशन करना हमको आता है।
ठीक है। तो अगर हम अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाना चाहते हैं तो क्या चीज़ ज़रूरी है कि ई को कांस्टेंट करिए और थीटा को भी कांस्टेंट करिए। ठीक, होना क्या चाहिए, टोटल सिचुएशन क्या है, पिक्चर क्या है? पिक्चर ये है कि एक क्लोज सरफेस है, एक क्लोज्ड सरफेस है, उसके हर पॉइंट पर ई की वैल्यू सेम है, उसके हर पॉइंट पर थीटा की वैल्यू सेम है। फिर हमने ये इक्वेशन लगाया, इस इक्वेशन में क्यू एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रल डीएस की वैल्यू डाल दी तो हमको क्या मिल जाएगा, ई। ये एप्लीकेशन का मेथड है, कुछ समझ में आया एप्लीकेशन का मेथड? इस तरह से हम इसको अप्लाई किया करेंगे। और ये सरफेस कहाँ है, तो आंसर है कि ऐसी कोई रियल सरफेस की हमको जरूरत नहीं है, वी विल सिंपली इमेजिन ए सरफेस। तो ये जो सरफेस है इसका हम नाम रखेंगे गॉसियन सरफेस। ये जो गॉसियन सरफेस है दिस इज ए इमेजिनरी सरफेस। और इसकी प्रॉपर्टीज कैसी रहेंगी, गॉसियन सरफेस इट शुड बी सच ई एट एवरी पॉइंट इज सेम। ये कैसा आएगा, थीटा बिटवीन ए एंड ई, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज सेम। ये दोनों सेम होने चाहिए तो ये क्या होगा, कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, कांस्टेंट्स इससे क्या होगा, फॉर ए क्लोज्ड सरफेस ई कॉस थीटा इंटीग्रेशन डीएस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, द कैलकुलेशन हैज बिकम इजी। इस तरह से हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। कैलकुलेशन हम कर क्या रहे हैं, ये चार क्वांटिटीज हैं, चारों को पुट करेंगे और चारों को पुट अप करने के बाद में ये तीनों को नोन बनाएंगे, दिस विल बी अननोन, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, ये गॉसियन सरफेस। तो ये जो गॉसियन सरफेस है इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या बना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ए गॉसियन सरफेस इज सिमेट्री, सिमेट्री ऑफ ई, सिमेट्री ऑफ थीटा, सिमेट्री ऑफ ई, सिमेट्री ऑफ थीटा। ऐसी हमको सरफेस इमेजिन करनी पड़ेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब हम लेते हैं कि गॉसियन सरफेस से हम काम कैसे करेंगे। ओके, इसके फोर स्टेप्स होंगे। फोर स्टेप्स फॉर एप्लीकेशन।
ये जो है ये आपका एग्ज़ाम में आने वाला पॉइंट नहीं है, ये आपका समझने वाला पॉइंट है। ये आपको इतने अच्छे से याद होना चाहिए कि जब भी ज़रूरत पड़े ये चारों पॉइंट आपको वन बाय वन अप्लाई करने। सो पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन इज कंसिडर दैट इज इमेजिन ए गॉसियन सरफेस। Such that E and theta are symmetrical. इसमें ये भी हो सकता है किसी सरफेस में ये पॉसिबल ही नहीं हो। अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, उस क्लोज सरफेस के एक से ज्यादा पार्ट कर देंगे। जैसे हमने एक सिलेंडर को बनाया गॉसियन सरफेस, तो हमने इसके दो पार्ट कर दिए, एक कर्व्ड और दूसरे दो फ्लैट हिस्से। इस तरह से किसी भी क्लोज सरफेस को अलग अलग सरफेसेस में तोड़ा जा सकता है, ठीक है, और सबकी अलग अलग कैलकुलेशन की जा सकती है। लेकिन शर्त क्या है, शर्त यह है कि अगर इसको मैंने ये कर्व्ड सरफेस और फ्लैट सरफेस में अलग अलग कैलकुलेशन करनी है, तो इस पूरी फ्लैट सरफेस में हर पॉइंट पर ई की वैल्यू सेम होनी चाहिए, थीटा की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ये सिमेट्री चाहिए ही। कर्व्ड सरफेस अगर मैं लूँगा तो कर्व्ड सरफेस के हर पॉइंट पर ई की वैल्यू और थीटा की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर फुटबॉल है तो मुझे दो सरफेस बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फुटबॉल के हर पॉइंट पर ई और थीटा सेम है। इस तरह से किसी भी क्लोज सरफेस को हम चाहें एक ही स्टेप में कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर एक स्टेप में हमको ई और थीटा सिमेट्रिकल नहीं मिलते तो हम उसके दो पार्ट कर लेंगे, दोनों पार्ट में अलग अलग ई थीटा को लेके कैलकुलेशन कर लेंगे। ओके, तो पहला हमारा पार्ट रहेगा कंसिडर Define E and theta symmetry for each surface. ये first point नोट कर लीजिए। Second point, calculate closed integral EDS. लेफ्ट हैंड साइड। थर्ड पॉइंट, कैलकुलेट क्यू, व्हाट इज दैट, चार्ज इनसाइड सरफेस, इनसाइड ओनली इनसाइड सरफेस। एंड फोर्थ, अप्लाई EDS is equal to Q upon epsilon naught. Put values calculate E. ये चार स्टेप, ठीक है, ये चारों स्टेप याद कर लीजिए, और इसी स्टेप के अनुसार हम वर्क करके अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ये एक पार्टिकल है जिसके पास चार्ज q है एट ए डिस्टेंस r। वी वॉन्ट टू फाइंड आउट
what is electrical field at point P. So पहले सिचुएशन को लिखना है. ये हमने सिचुएशन लिखी एंड वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी. अब हम अपने चारों स्टेप शुरू करते हैं. पहला स्टेप क्या है? कंसीडर ए गॉसियन सरफेस. तो कैसी होनी चाहिए गॉसियन सरफेस? सिमेट्रिकल, ताकि हर जगह पर ई एक जैसा हो. अब ई किस पर डिपेंड करता है? आर पे डिपेंड करता है. अगर आर कम ज़्यादा हो गया तो ई भी कम या ज़्यादा हो जाएगा. इसलिए हम ये सावधानी रखते हैं कि ऐसे इतने उस सरफेस के सारे पॉइंट कितना दूर होना चाहिए आर. ऐसी कौन सी सरफेस होती है जिसके सब पॉइंट आर डिस्टेंस पे होते हैं? आंसर है स्फीयर. इसको सेंटर मान के हमने इसके चारों तरफ स्फीयर बना दिया, ये आर डिस्टेंस लेके, और ऐसा ऊपर से इधर से ये फुटबॉल जैसा स्फीयर बना दिया. अब इस स्फीयर का हर पॉइंट कितना दूर है आर, इसलिए हर लोकेशन पर ई की वैल्यू कैसी होगी? सेम, क्यू अपॉन आर स्क्वायर. ओके, हर जगह पर इसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए. व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? आंसर, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर? दिस इज डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? जीरो. यहां देखिए, ये भी थीटा कितना है? जीरो. सो थीटा हियर इज जीरो, थीटा हियर इज जीरो, थीटा हियर इज जीरो, एवरीवेयर थीटा इज जीरो. सो देयर इज ए सिमेट्री ऑफ ई, देयर इज सिमेट्री ऑफ थीटा. सो दिस कैन बी टेकन एज ए गॉसियन सरफेस. गॉसियन सरफेस की शर्त पूरी हो गई. हम क्या चाहते थे? सब तरफ ई एक जैसा हो. हो गया हर पॉइंट पे, क्योंकि हमने डिस्टेंस कैसा रख दिया? इक्वल. और डायरेक्शन भी हर जगह एक जैसी हो गई. अब इसको लिखेंगे कैसे? कंसीडर ए स्फीयर having center at particle. Having center at particle location. ये हो गई हमारी गॉसियन सरफेस. ये हमने पहला बता दिया. तो पहले पॉइंट में हमको क्या बताना है? शेप ऑफ द सरफेस, डायरेक्शन ऑफ ई एंड डायरेक्शन ऑफ ए, ये दोनों स्पेसिफाई. नाउ पॉइंट नंबर टू. पॉइंट नंबर टू में हमने बताना है क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा is equal to E at every point is same, it's a constant. Theta at every point is same, it is a constant. Integration sirf kiska hoga? Closed integration ds ka. So this is equal to E. How much is cos 0? 1. And
क्लोज्ड इंटीग्रल ds इस पूरे स्फीयर की टोटल सरफेस कितनी होती है। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, क्लोज्ड इंटीग्रल ईडीएस की। इस तरह से क्लोज्ड इंटीग्रल ईडीएस की हम एक्चुअल वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर शेप कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद देखिए, हाँ, इसके बाद थर्ड पॉइंट आपने क्या लेना था, कैलकुलेट क्यू इनसाइड। द चार्ज इनसाइड इज क्यू, यहां पर और कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ क्यू है। तो इस पॉइंट को हमने कैसा लिख लिया, द चार्ज इनसाइड इज क्यू। उसके बाद फोर्थ पॉइंट देखिए, पुटिंग वैल्यूज को पुट करिए, क्लोज इंटीग्रल ईडीएस की वैल्यू, ये क्लोज इंटीग्रल ईडीएस की वैल्यू क्या निकाली थी, ई इंटू 4πr², ये इसकी वैल्यू आ गई। दिस इज इक्वल टू क्यू, चार्ज की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, ये क्यू, सो दिस विल राइट एज क्यू। Therefore, E की वैल्यू, E इज इक्वल टू, ये इधर ट्रांसफर कर दीजिए, सो दिस इज Q अपॉन 4πε₀ इंटू r², ये E की वैल्यू आ गई। और E कहाँ पर है, E इज ऑन द सरफेस ऑफ दिस, क्योंकि ds आपने क्या लिया है, सरफेस। E कहाँ होगा, सरफेस पे, और पॉइंट P कहाँ है, सरफेस पे। तो हम हमेशा पॉइंट P को कहाँ लिया करेंगे, सरफेस पे, क्योंकि E की वैल्यू कहाँ आनी है, सरफेस पर आनी है। सो दिस इज E इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε₀r², ये हमने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब हम लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज, ये एक लाइन है और बहुत लंबी लाइन है, इस लाइन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इस चार्ज की क्वांटिटी कितनी है, तो लीनियर चार्ज की क्वांटिटी हम किससे बताते हैं, लैम्डा। व्हाट डज दैट मीन, लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा चार्ज पर मीटर, ये इसके पास चार्ज है। और ये वाली तार ऐसा ऊपर भी गई है, नीचे भी गई। अब अगर इस पर लैम्डा इसकी चार्ज डेंसिटी है, यहां पर एक पॉइंट है P जो कि इससे R नॉर्मल डिस्टेंस पर है, R। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, वी वांट टू फाइंड आउट एंड वी विल टेक हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। ओके, सो व्हाट इज द गिवन सिचुएशन, P इज ए पॉइंट एट नॉर्मल डिस्टेंस आर फ्रॉम ए चार्ज्ड कंडक्टर
और इसकी डेंसिटी कितनी है लैम्डा, दैट इज चार्ज डेंसिटी। ये हमारी गिवन सिचुएशन है। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट। अब हमको सोचना है कि इसमें सिमेट्रिकल सरफेस कैसी बनाएं। हमने देखा एक सरफेस हम नहीं बना पाते। अगर हम यहाँ पर ऐसा स्फीयर बनाते हैं ये, तो यहाँ पर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? आंसर है कि इनके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है ये, ये हम पहले पढ़ चुके। यहाँ पर आप देखिए ये वाला पॉइंट नज़दीक है, ये वाला पॉइंट दूर है, ये दूर है, ये नज़दीक है, तो हर जगह E कैसा होगा? डिफरेंट, E अलग अलग हो गया। फिर यहाँ पर E और A के बीच का एंगल ये है, ये सरफेस है, ये सरफेस का परपेंडिकुलर। यहाँ पर ये सरफेस है और ये सरफेस का परपेंडिकुलर। यहाँ पर ये सरफेस है, ये सरफेस का परपेंडिकुलर, और ये ई की डायरेक्शन। हर जगह थीटा की वैल्यू डिफरेंट है, थीटा इज डिफरेंट, ई इज डिफरेंट, तो ये सरफेस गॉसियन सरफेस नहीं बन सकती। कैसी चाहिए सरफेस? सब जगह ई और थीटा की वैल्यू एक होनी चाहिए। ऐसी कोई सरफेस हमको यहाँ समझ में नहीं आती। जब ऐसा होता है तो हम क्या चाहते हैं कि चलो ऐसा करते हैं जिसमें एक सिमेट्री नहीं मिलती तो दो ही मिल जाएं, एक कैलकुलेशन की बजाय दो कैलकुलेशन कर लेंगे, दो नहीं मिलेगी तीन कर लेंगे, तीन नहीं मिलेगी छः कर लेंगे। लेकिन शर्त हमको चाहिए कि थ्रू आउट द सरफेस ई की वैल्यू सेम होनी चाहिए, थीटा भी सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो इसमें हम कैसी सरफेस लेते हैं? सी, यहां पर हम कंसीडर करते हैं एक सिलेंडर। उस सिलेंडर की एक्सिस इस कंडक्टर की एक्सिस पर रहेगी एंड दिस मच। ये हमने एक सिलेंडर कंसीडर किया, ये लाइन कहां है? इस सिलेंडर की एक्सिस पे। क्या ये सिमेट्रिकल है? तो आंसर है यस। देखिए कैसे सिमेट्रिकल है। इस वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी निकलती है? दिस वे, दिस वे, दिस वे, दिस वे, ब्रश, हेयर ब्रश जैसे, वैसे ही हमने निकाली। तो यहाँ से ये ऐसे गई, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ऊपर वाली ऐसे, ऐसे, ऐसे। अब ये वाले डिस्टेंस कैसे हैं? आर। ये वाले डिस्टेंस भी कितने हैं? आर। अगर ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर है, तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? सेम, ठीक है, क्वांटिटी वाइज सेम। अब थीटा को देखिए, यहाँ पर ये एरिया वेक्टर है, तो ये इसका ये एरिया वेक्टर, ये डीएस है, ये एरिया वेक्टर, एंगल ज़ीरो, एंगल ज़ीरो, ये एरिया वेक्टर इधर, ये एरिया, एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल ज़ीरो। किसी भी पॉइंट पर आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जाएगी? नॉर्मल, ये ऐसे में, ये नॉर्मल, और एरिया वेक्टर भी कैसा है? नॉर्मल। इसलिए दोनों के बीच एंगल कैसा होगा? ज़ीरो। तो थीटा भी कैसा हो गया? सिमेट्रिकल, विच कैन बी टेकन एज कॉन्स्टेंट। E भी कैसा है? सिमेट्रिकल, दैट कैन ऑल्सो बी टेकन एज कॉन्स्टेंट। इसलिए इसलिए इस कैलकुलेशन के लिए गॉसियन सरफेस की शेप कैसी होगी? आंसर, कोएक्सल सिलेंडर। तो हमने
consider a Gaussian surface. अब इसकी शेप लिखेंगे. In shape of coaxial cylinder. With radius r. क्यों radius r लेंगे? So that point P is on the surface. P is on the surface. Okay. ये हमने क्या कर दिया? पहला point. E को specify करिए. ये. और यहां पर हमने क्या बनाया? ये E, ये एरिया वेक्टर, और यहां पर हमने लिखा थीटा इज इक्वल टू जीरो. थीटा एट एवरी पॉइंट इज जीरो. ये हमारा पार्ट वन हो गया. अब पार्ट टू देखिए. सेकंड, सेकंड हम क्या करते हैं? क्लोज्ड इंटीग्रल EDS cos थीटा. अब यहां पर हमने इसके तीन हिस्से कर दिए. इंटीग्रल कर्व्ड, इंटीग्रल फ्लैट वन, इंटीग्रल फ्लैट सरफेस टू. दो फ्लैट सरफेस हैं और एक कर्व सरफेस है. तीन सरफेसेस हैं और तीनों पर हम फ्लक्स की क्वांटिटी निकालेंगे तो हमारा टोटल फ्लक्स आ जाएगा. अब देखिए किस तरह से निकालते हैं. हर एक में फॉर्मूला क्या लिखना? E ds cos. कर्व के लिए थीटा की वैल्यू जीरो, जीरो. फ्लैट के लिए E ds cos 90. क्यों? थोड़ा सा इधर देखिए. ये फ्लैट सरफेस, ई तो हर जगह ऐसा ही है. फ्लैट सरफेस का एरिया वेक्टर, फ्लैट सरफेस नीचे ऐसी है तो एरिया वेक्टर ऐसा आएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो इसका ये एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर है और ये कौन है? ई. ई तो पूरा वही है, ऐसे ऐसे ऐसे. यहां पर ये E की डायरेक्शन है और ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है. तो E और A के बीच एंगल कितना? 90. तो फ्लैट सरफेस के लिए यहां पर लीजिए, यहां पर लीजिए, कहीं पर भी लीजिए, हमेशा थीटा कितना आएगा? 90 एट एवरी पॉइंट. देयरफॉर दिस इज 90 और यहां पर भी E ds cos 90. तो cos 90 जीरो, cos 90 जीरो. व्हाट रिमेन्स विद अस? EDS cos जीरो. cos जीरो इज वन, सो दिस इज इंटीग्रल EDS फॉर फुल कर्व सरफेस. सो दिस इज इक्वल टू E, हर लोकेशन पर सेम है, इट इज ए कांस्टेंट. सो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ DS फॉर कर्व सरफेस. E कांस्टेंट है, एरिया फॉर द कर्व्ड सरफेस इंटीग्रेट कर दीजिए. कर्व्ड सरफेस के एरिया को इंटीग्रेट करेंगे कितना होता है? 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय हाइट, जो भी हाइट हमने ली. यहां पर हमने इसकी कुछ हाइट मान ली, यहां से यहां तक. मान लीजिए ये वाली हाइट हमने ली h,
तो ये वाली हाइट भी कितनी है h, ठीक, तो इसका एरिया कितना हुआ 2 पाई आर एच, ये आ गया। तो ये जो क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा था, इसको हमने तीन हिस्से में डिवाइड किया, क्यों, तीन सिमेट्री हमको मिलती है, एक कर्व्ड की सिमेट्री, एक टॉप की सिमेट्री और एक बॉटम की सिमेट्री, यही हमने लिए, तीनों को अलग अलग कैलकुलेट किया और तीनों को ऐड कर दिया, ये दोनों तो जीरो बन गए और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी, ई कर्व सरफेस का इंटीग्रेशन, और कर्व सरफेस का इंटीग्रेशन होता है 2 पाई आर एच, ये हमारा इसका वैल्यू आ गया इंटीग्रेशन होने के बाद, इज दिस राइट, ये पॉइंट नंबर टू। अब पॉइंट नंबर थ्री लीजिए, चार्ज इनसाइड सरफेस, क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है इसकी वैल्यू बताइए, लैम्डा कितने मीटर का चार्ज है, एक मीटर का, इसके अंदर कितनी कितना बड़ा कंडक्टर है एच मीटर, तो एच मीटर में कितना चार्ज होगा एच मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा, ये बात समझ में आई, तो वो वाला चार्ज एच इंटू लैम्डा कहाँ है, सिलेंडर के अंदर, बाकी सारे चार्ज कहाँ हैं, बाहर, तो हमको कौन सा चार्ज कंसीडर करना है, अंदर का कि बाहर का, अंदर का, इसलिए हम क्या लेंगे h इंटू लैम्डा, सो चार्ज इनसाइड सरफेस इज h लैम्डा, ये तीन हो गए। अब इसमें पॉइंट नंबर फोर, अप्लाइंग गॉस लॉ ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं यहीं लिख देता हूं सो दैट वी क्लोज हियर, ई डी एस की वैल्यू क्या आई थी, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस की वैल्यू ई टू पाई आर एच, यहां पर हम लिखेंगे नंबर फोर, पुटिंग वैल्यूज, अप्लाइंग गॉस थ्योरम पुटिंग वैल्यूज, ई टू पाई आर एच, ये किसके बदले में आया, जगह कम है इसलिए मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, फर्स्ट वी हैव टू राइट दिस इक्वेशन, आफ्टर दैट वी विल राइट पुटिंग वैल्यूज, ई टू पाई आर एच इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू क्या लिखनी है एच लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये अब दोनों तरफ से एच एच कैंसल हो जाएगा, 2 पाई आर इस तरफ आ जाएगा, एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ये दिस इज आर, स्मॉल कैपिटल एक ही मतलब है, सब जगह आप एक जैसा ही कर लीजिएगा, दिस इज आर, तो ये आ गया E इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है, इस तरह से हमने E की वैल्यू निकाली, और E ये कहां पर है, तो आंसर है E गॉसियन सरफेस की सरफेस पर है, तो पॉइंट P कहां पर है, पॉइंट P भी सरफेस पर है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, P पर है, सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी P, P का इस लाइन से डिस्टेंस कितना है R, P पर चार्ज डेंसिटी कितनी है लैम्डा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है, सो दिस आर द टू एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, इसके बाद हम एप्लीकेशन कर सकते हैं, एंड दैट विल बी फॉर फ्लैट सरफेस, फॉर स्फेरिकल शेल, these are very important and that we'll do in the next class, ठीक है।